इक्वेशन हैज नो मीनिंग फॉर मी जब तक कि ये भगवान द्वारा किसी संदेश को या किसी भगवान की इच्छा को ना दर्शाती हो। ये मानना था हमारे मैथमेटिशियंस, हमारे देश के सबसे मैथमेटिशियन, सबसे बड़े मैथमेटिशियंस जीनियस श्री रामानुजन सर का, जिनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी बात कम होगी। इनके बारे में बात हम ना सिर्फ भाषा इंग्लिश या हिंदी से नहीं कर सकते, ये एक ऐसे इंसान थे, ऐसे गणितज्ञ थे जिनकी भाषा को गणित कहा जाएगा तो कुछ गलत नहीं है। इनके जीवन में गणित का कितना रोल था, मैथ्स की कितने मायने थे, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे कैसे इन्होंने हमें इतनी सारी थ्योरीज दी और उन थ्योरीज की मदद से आज हम लोग ब्लैक होल थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ पा रहे हैं। यानी इनके रिजल्ट्स नहीं होते तो स्ट्रिंग थ्योरी आगे नहीं पढ़ी जा सकती थी, वो किताबें वहीं बंद हो जाती। कहा जाता है कि ये अपनी उम्र से करीबन 82-85 साल आगे की सोचा करते थे। भगवान की देन और इनकी खुद के हार्ड वर्क से इन्हें मैथ्स में एक ऐसे मुकाम साबित किए, इन्होंने ऐसे मुकाम साबित किए कि जिनके बारे में सिर्फ बात की जाए काफी नहीं होगा। जिस दौरान इन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया, उस दौरान हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल की वजह से इनको वो ऊंचाइयां या वो मैकाम नहीं मिल पाए जिनके ये हकदार थे, क्योंकि जो कॉन्ट्रीब्यूशन इनका मैथ्स के अंदर कहा जाता है, आप इस चीज से कल्पना कर लीजिए कि जैसे हम लोग इसाक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन को फिजिक्स में मानते हैं, मैथ्स में श्री रामानुजन सर का उससे कम भागीदारी नहीं है। श्री रामानुजन सर एक छोटी सी उम्र में मैथ्स को पसंद करने लग गए थे। जब वो सिक्स क्लास में थे, उनके पास पहली बार मैथ्स की किताब हाथ में आई और उनकी जो रुचि गणित में डेवलप हुई, उसके बाद जो भी देखा आप सब आंखों के सामने था। मैथ्स में इतनी रुचि डेवलप होने के कारण वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा आगे जा चुके थे और वो बहुत कम उम्र में अपने आगे आने वाली बुक्स, यानी हम बोलें कि फॉरेन राइटर्स के पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लिखी गई बुक्स को कंप्लीट कर खत्म कर चुके थे। मैथ्स की उनकी रुचि दिन रात बढ़ती चली गई और स्कूल तक उन्होंने अपने आप में एक नए कीर्तिमान साबित कर दिए थे। उन्होंने कई थ्योरम प्रूव कर दी थी जिनको उनको आगे उल्लेख करना था। स्कूल के टीचर्स और उनके फ्रेंड्स जान चुके थे कि वो एक जीनियस है, लेकिन उनके साथ साथ उनका किसी और विषय में ध्यान बिल्कुल नहीं लगता था, उनका सारा का सारा ध्यान मैथ्स पर था। लेकिन 12th तक कैसे ना कैसे कर और सब्जेक्ट्स के साथ साथ मैथ्स में तो रुचि थी उनकी, उन्हें स्कॉलरशिप मिली और आगे की तरफ कॉलेज की तरफ गए। कॉलेज तक पहुंचने तक उनकी सारी की सारी रुचि मैथ में शिफ्ट हो चुकी थी। जैसा कि हम कहते हैं कि बहुत अधिक प्रेम भी कहीं ना कहीं संकट का विषय होता है, तो उनको वो प्रेम गणित से मैथ से हो चुका था। उनको उस मैथ्स के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, जिस वजह से वो अपने सेमेस्टर परीक्षा में फेल हुए, सिर्फ मैथ्स में उत्तीर्ण होकर बाकी सब परीक्षाओं में फेल हुए, जिनसे उनकी स्कॉलरशिप खारिज हो गई। लेकिन जैसा कहते हैं कि जो इंसान काबिल है कभी ना कभी देर से ही, लेकिन आती जरूर है सक्सेस उनके साथ, तो वो उन्हीं हार के साथ अपने आप को बहुत मामूली सा साबित कर सोचने लगे। लेकिन वो उस मैथ्स पर जो उनके ऑपरेशन थे, जो उनके थ्योरीज थी, उन पर वो काम करते रहे। उनका मानना था कि मैथ्स उनको एक उनकी कुल देवी है जो उनको स्वप्न में आती थी और वो उनको चीजों के सॉल्यूशंस देती थी। हमारे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के उस समय जीएच हार्डी हमारे मैथ्स के बहुत बड़े प्रोफेसर रह चुके हैं, तो उन्होंने जब इनकी रैंकिंग करी, क्योंकि उस समय पर रैंकिंग दी जाती थी क्योंकि वो काफी बच्चे बड़े गणितज्ञ थे, तो उन्होंने खुद को अपने खुद को 100 में से 30 मार्क्स दिए, जबकि श्री रामानुजन सर को उन्होंने 100 out of 100 दिए। यानी गणित में इनकी मिसाल दी जाए जितना कहा जाए उतना कम है, और जो जो कीर्तिमान इन्होंने साबित किए आज तक उन उल्लेख से चीजें जीवन में चल रही हैं। इनकी एक थ्योरी पे जिस पे आज हमने वीडियो की बात करी है, हम उस थ्योरी पे बात करेंगे। आपके सामने श्री रामानुजन सर ने बताया कि कैसे वो इन्फिनिटी को जानते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है जो इन्फिनिटी को पहचान गया, 1, 2, 3, 4 कहां तक सीरीज जा रही है, इनफाइनाइट तक, और उन्होंने इसके सम को -1/12 प्रूव किया। स्ट्रिंग थ्योरी की पेज नंबर 28 पर इस चीज का उल्लेख है और इससे आगे की चीजों का कनेक्शन है। यानी कहा जाए सही मायनों में कि अगर ये चीजें नहीं निकल कर आती तो हम ब्लैक होल थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी और ना जाने कितनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते।
उनकी कई थ्योरी, कई रिजल्ट्स हमारे आज के जीवन में हमें काफी हेल्प कर रहे हैं। तो हम मैथमेटिकली इस रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि कैसे ये चीजों के बारे में हमने कनेक्ट किया। तो उनका मानना था कि सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर को इनफाइनाइट तक जोड़ा जाए तो -1/12 आता है, जो एक बहुत शॉकिंग रिजल्ट था। कॉमन सेंस लगाया जाए कि कुछ पॉजिटिव नंबर जोड़ते जा रहे इनफाइनाइट तक तो आंसर इनफाइनाइट आना चाहिए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इसका आंसर -1/12 आ जाएगा? तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आपसे। ये उनका प्रूफ मैं आपके सामने साझा करूंगा कि उन्होंने किस प्रकार से इसकी शुरुआत करी। आप चीजों को कनेक्ट करके देखते रहना। उन्होंने चीजों की शुरुआत करी एक S1 नाम के वेरिएबल के साथ, जिनमें उन्होंने अल्टरनेटिंग +1 -1 लिखा टिल इंफिनिटी। बहुत अच्छी बात। उसी सीरीज S1 को इन्होंने फिर से लिखा, लेकिन एक शिफ्ट कर, यानी इसको इसके नीचे लिख दिया, 1 -1 1 -1, यानी उसी को दोबारा लिख दिया इंफिनिटी। इन दोनों सम को उन्होंने जोड़ दिया, S1 और S1 2S1 आ गए। ये चीज 1 इधर आ गई, -1 से 1 कैंसिल, ये 0 आ गया, -1 से 1 कैंसिल, 0 आ गया, ये सब 0 हो गया, यानी ये वैल्यू यहां निकल कर आ गई। और यहां हम लिख सकते हैं कि S1 की वैल्यू 1/2। तो उन्होंने प्रूव करा कि ये ऊपर वाली सीरीज की वैल्यू 1/2 होगी। क्लियर। दूसरा, अब इसमें एक कनेक्शन नया डेवलप हुआ एक नई चीज के साथ। फिर उन्होंने S2 नाम की एक सीरीज ली, ध्यान से देखेंगे, फिर उन्होंने S2 नाम की एक सीरीज ली जिसमें उन्होंने अल्टरनेटिंग नेचुरल नंबर +- के साथ लिखे इस प्रकार से इनफाइनाइट तक। दोबारा से फिर S2 लिखा और जैसा ऊपर शफल करके आगे कर दिया एक, तो यहां पर भी एक पुश कर दिया, यानी उसी सीरीज को दोबारा इन्होंने ऐसे लिख दिया। इन दोनों को जोड़ा गया, S2 S2 2 S2 हो गया। जब यहां पे ऐड किया गया तो ये 1 आ गया, -2 और 1 +-1 आ गया, 3 और -2 +1 आ गया, -4 और 3 -1 आ गया, +1 आ गया और -1 आ गया। और इस वाली सीरीज को अगर आप ध्यान से देखें, 1 -1 वाली सीरीज को, ये वाली सीरीज S1 हो गई। 1 -1 +1 -1 है ना, इस सीरीज को हम S1 कह सकते हैं। तो यहां से 2S2 की वैल्यू निकल कर आई S1 के बराबर, जहां से हम कह सकते हैं कि S2 = S1/2। 2 नीचे चला गया। What is the value of S1? S1 की वैल्यू 1/2 थी। S1 की वैल्यू 1/2 थी। 1/2 को 2 से करा, S2 आ गया 1/4। यानी उनका मानना था कि अगर 1 -2 3 -4 5 -6 को ऐसे इनफाइनाइट तक ऐड करें तो आंसर 1/4 आएगा। इन दोनों बातों के साथ, क्योंकि इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, इन दोनों बातों के साथ हम आगे की तरफ चले अपनी प्रॉब्लम के लिए, जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे। कौन सी प्रॉब्लम? दिस वन। ये इस सीरीज का नाम हमने एच दिया और हम जानेंगे कैसे एस 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक -1/12 बनेगा। ये हम लोग यहां पे जानेंगे कैसे एस ऐसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे एस ऐसे बनेगा। अब उन्होंने ये नेचुरल नंबर की सीरीज को नाम एस दिया और उन्होंने इसको 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से लिख दिया इनफाइनाइट। एक S2 नाम की सीरीज थी वो ये रही, उसको इसके नीचे लिख दिया। S2 सीरीज भी आपको दिख रही है, 1 -2 3 -4, और उन्होंने इसमें से इसको माइनस कर दिया। उन्होंने इसमें से इसको माइनस कर दिया तो आया S-S2। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ये माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा, ये माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस करोगे तो 12 आ जाएगा। तो ऐसे करके सीरीज बनती चली गई, कहां तक? इनफाइनाइट तक। जिसमें से मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। इसमें से मैंने 4 कॉमन ले लिया। 4 कॉमन लेने के बाद अंदर के हालात आए 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 कहां तक? इनफाइनाइट तक।
एक दो तीन इनफाइनाइट तक जो लेटर्स निकल कर आए, क्या इस सीरीज को हम एक दो तीन चार पांच इनफाइनाइट को एस बुला सकते हैं? बिल्कुल बुला सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट है एस माइनस एस टू इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ, जो ये रिजल्ट निकल कर आया एक दो तीन चार पांच छह इनफाइनाइट तक, वो एस हो गया। 4s में से s गए 3s आ गया, 3s की वैल्यू माइनस s2 आ गई, यहां से s की वैल्यू माइनस s2 बाय 3 आ गई, और हमारे पास ऑलरेडी s2 की वैल्यू है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s2? s2 की वैल्यू है हमारे पास 1/4। जब 1/4 को 3 से डिवाइड किया गया तो आंसर माइनस 1/12 आया। तो उन्होंने इंफिनिटी को पहचाना, उन्होंने इंफिनिटी को देखा और बोला कि इस अनंत नंबरों का सम इनफाइनाइट तक माइनस 1/12 आएगा। स्ट्रिंग थ्योरी में इसके बिना हम आगे उनको नहीं पढ़ सकते थे, यानी ये रिजल्ट्स आज भी ब्लैक होल की स्टडी में, स्ट्रिंग स्टडी में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी उन समय में इन चीजों की कल्पना करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि रामानुजन सर के पास जो चीजें होती थी वो इतनी फास्ट कैची कैलकुलेशंस कह लीजिए, वो थ्योरम्स के रिजल्ट्स के साथ आपके सामने रख देते थे। इन बीच का प्रोसेस जो प्रूफ का होता था वो कहते थे कि ये थ्योरम्स ट्रू है, आप चाहे प्रूफ करके देख लीजिए। उनके पास मॉडर्न अप्रोच मैथमेटिक्स की नहीं थी प्रूफ करने के लिए, लेकिन उनके जो रिजल्ट थे वो काबिले तारीफ थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब उनकी थ्योरम्स को देखा गया तो वहां के मैथमेटिशियन हार्डी जी ने उनको खुद कैम्ब्रिज बुलाया और उनके साथ काम करने की चेष्टा दिखाई, और उन्होंने अपनी बायोग्राफी में यह भी बोला है कि मैं बहुत बहुत अपने आप को शुक्रगुजार कहता हूं कि मैं रामानुजन सर के साथ काम कर पाया। अगर मैथ्स में कोई जीनियस होगा तो सिर्फ रामानुजन सर को कहा जाएगा, क्योंकि लोग जो सोच भी नहीं सकते, लोग मैथ्स को जिस प्रकार से कर भी नहीं सकते वो ऐसे कर चुके थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने जो चीजें सोची, जो अप्लाई करी, जो देश को साधन दिए वो काबिले तारीफ थे। ऐसी ही कई सारी थ्योरम्स के साथ चीजें चली हैं और बहुत गणितज्ञ उनके ऋणी हैं इनके इन रिजल्ट्स को लेकर। खुद हार्डी जी की थ्योरम्स उन्होंने कई सारी प्रूफ गलत कर दी थी कि आपने गलत प्रूफ कराए। तभी उन हार्डी जी का, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथमेटिशियंस प्रोफेसर थे, उनका सारा का सारा ध्यान इनकी तरफ गया और ये वहां से लाइमलाइट में आकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे। क्योंकि हमारा देश उस समय किन हालातों में होगा आप जानते हैं, ब्रिटिश सरकार के अंडर हम गुलामी कर रहे थे और उस समय इस देश में कितना महत्व होगा शिक्षा का शायद इस देश को पता नहीं था। तो वो कितना काबिलियत वाला इंसान भी अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी ना जाना जाए तो ये देश के लिए बहुत नुकसान की बात है। तो मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि हम एज अ भारत, हम इस भारत देश के देशवासी हैं, हम इस भारत देश के सिटीजन हैं, हमें अपनी तरफ से इस देश में जो हमारे महान जीनियस, महान गणितज्ञ, महान मैथमेटिशियन श्री रामानुजन सर ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो जिंदगी भर याद रहना चाहिए। बहुत कम उम्र में, 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था और उनके निधन के कारण उनकी कई सारी बीमारियां जो उनकी बॉडी के अंदर डेवलप हो गई थी, क्योंकि जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे उस दौरान वर्ल्ड वार वन थी और उसमें कई तरह की प्रॉब्लम, कई तरह के गैस, कई तरह के प्रदूषण की वजह से उनको अलग अलग तरह की बीमारी लग गई थी। अपने इस छोटे से जीवन काल में उन्होंने हमें यह दिखाया कि अगर आप चाहे तो आप एक बंद कमरे से पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत और पूरी निष्ठा के साथ काम करने का जज्बा होना चाहिए। उनकी रुचि भगवान में बहुत ज्यादा थी, वो भगवान को बहुत मानते थे और हर एक इक्वेशन को वो भगवान की सोच समझकर सॉल्व किया करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी कुल देवती देवी उनके रात को सपने में आती थी और जिन प्रॉब्लम्स को रात को सोचकर सोते थे, सुबह जब वो उठते थे तो वो जल्दी से उनको अपनी तख्ती पर स्याही से लिखते थे और वो हल हो जाते थे। तो ये एक तरह से भगवान की एक देन है और हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे देश में एक ऐसे मैथमेटिशियन रहे जिन्होंने पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व को अनुभव कराया नई नई चीजों का। तो आप लोगों से आशा करता हूं इस वीडियो को शेयर करोगे और ऐसी ही अपडेट्स आप लोगों को यहां से आती रहेंगी। ये प्रूफ आपने देखा कि किस तरीके से इंफिनिटी तक का सम माइनस 1/12 आया। तो होप करता हूं यू लाइक द सेशन। थैंक यू ऑल। जय हिंद।